पिछले काफी दिन से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमारा MMS कब आएगा। MMS का मतलब वो लोग समझ गए जो रोजाना हमारे वीडियोस देखते हैं। MMS से मेरा मतलब है मंथली मेगा शो ऑफ इन्वेंटरी। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप इस शो का कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो जो इतना प्यार आप इस शो पर बरसाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं उतना ही प्यार आप मुझ पर भी बरसाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देता हूं, हमारे MMS में आपको गुड़गांव का वो सारा माल मिलता है जिसके लिए आप रोजाना अपने डीलर्स और प्रॉपर्टी एडवाइजर्स को कॉल करते रहते हैं। माल का मतलब प्रॉपर्टीज से है, गुड़गांव की वो सभी प्रॉपर्टीज जो सेल के लिए अवेलेबल हैं उन सभी को हम इस MMS में आज आपके सामने रखेंगे। और अगर उनमें से आपकी पसंदीदा प्रॉपर्टी कोई है तो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस MMS को देखने के बाद आपको प्रॉपर्टीज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, बस सिर्फ आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो पसंदीदा प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे थे जैसे ही वो प्रॉपर्टी आ जाए तो आपको मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। मैं और मेरी टीम तुरंत उस प्रॉपर्टीज की जो भी रिलेटेड डिटेल्स होंगी या जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और जब भी आप विजिट प्लान करना चाहें तो प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आप मीटिंग करना चाहें तो वो भी कॉल आप ले सकते हैं। आज इस MMS में आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। हर सेक्टर और सोसाइटी के प्लॉट्स भी होंगे और बिल्टअप हाउसेस होंगे, SEO, DSS बूथ भी होंगे हुड्डा सेक्टर्स की मार्केट के, और साथ ही साथ आपको हाई रेंटल यील्ड वाली प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी और बिल्कुल उचित दाम पर। प्लॉट के भाव पर जो घर सेल के लिए अवेलेबल हैं उनका भी जिक्र होगा, और 18 मीटर 30 मीटर और 60 मीटर वाइड रोड फेसिंग प्रॉपर्टीज को भी आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ वो एक्सक्लूसिव डील्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके पैसे को बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में आपकी जेब में डाल सकती हैं। आज बात करेंगे उन न्यूली लॉन्च रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की भी जो आपके मतलब के हैं या जिनमें आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में गुड़गांव की रियल स्टेट मार्केट का जो एप्रिसिएशन है उसे गेन कर पाएं। और साथ ही साथ वो डील्स भी मैं आपको बताऊंगा जो फ्लैश सेल में आई हुई हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, उनमें से भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में आती है तो उसे भी आप चूज कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज की डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूं, उससे पहले मैं एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। वैसे तो आज इस शो में हम हर सेक्टर की हर सोसाइटी की प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी ही प्रॉपर्टीज की आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है और साथ ही साथ एक इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप इन दोनों चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि यही चीज जो इस शो में आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपको उससे रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती रहे ताकि टाइमली आप अपना डिसीजन ले पाएं और जैसे ही कोई आपके मनपसंद की डील आपको देखने को मिले तो तुरंत उसको आप क्लोज कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि DLF में हमारे पास सेल के लिए क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि DLF है तो गुड़गांव है और गुड़गांव है तो DLF है। तो सबसे पहले DLF फेज 1 के फ्लोर्स की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको 200 गज का फ्लोर चाहिए तो मेरे पास 3 करोड़ के बजट में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आप 300 गज का फ्लोर देख रहे हैं तो वो आपको लगभग 4.5 करोड़ के बजट में मिलेंगे। वहीं अगर बात करें 500 गज के फ्लोर की तो 6 करोड़ से 6.5 करोड़ रुपए के बजट में आपको यहां पर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम एक एक ऑप्शन की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको किसी भी साइज़ का फ्लोर चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास DLF फेज 1 के ए ब्लॉक में एक 500 गज की कोठी अवेलेबल है सेल के लिए, जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 2.5 फ्लोर बने हुए मिलते हैं। 5 बेडरूम ये विला होगा जिसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 17 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास DLF फेज 1 के अर्जुन मार्ग पर है, 150 गज का, 150 गज का बिल्टअप हाउस ये रहेगा जिसमें आपको 2 फ्लोर बने हुए मिलेंगे। यहाँ मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि अर्जुन मार्ग 24 मीटर वाइड रोड है। इस प्रॉपर्टी की कीमत आपके लिए रहेगी सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए, और DLF फेज 1 की जो सबसे प्राइम लोकेशन है उसमें अर्जुन मार्ग को काउंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं DLF फेज 2 की।
सबसे पहले अगर यहाँ पर आप फ्लोर देख रहे हैं तो 200 गज के जो फ्लोर हैं वो आपको लगभग 3.5 करोड़ की रेंज में मिलेंगे। वहीं अगर 300 गज के फ्लोर की बात करें तो वो लगभग आपको 4.5 करोड़ की रेंज में ऑप्शंस मैं दे सकता हूँ। इसके साथ ही साथ अगर 400 गज का फ्लोर आपको यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए आपको लगभग 6 करोड़ रुपये के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। इन तीनों ही साइजेस में मेरे पास फ्लोर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इसके लिए भी आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास DLF फेज 2 में ही एक 250 गज के प्लॉट पर पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये प्रॉपर्टी सेल के लिए अवेलेबल है। इसका रेट आपके लिए 8.5 करोड़ रुपए रहेगा और ये 3 फ्लोर का स्ट्रक्चर आपको इसमें मिल जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे प्लॉट का रेट लिया जा रहा है। इसी के साथ मेरे पास 250 गज में एक और बिल्टअप हाउस का ऑप्शन भी यहाँ एल ब्लॉक में अवेलेबल है। इसमें आपको बेसमेंट के साथ 3 फ्लोर बने हुए मिल जाते हैं और इसकी कीमत आपके लिए रहेगी 8 करोड़ रुपए। दोनों प्रॉपर्टीज के रेट में 50 लाख रुपए का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये इनकी लोकेशन की वजह से है, जो कि आपको साइट विजिट करने के बाद समझ आएगा। अब फेज 2 के बाद चलते हैं DLF फेज 3 में, जहां पर एम्बियंस मॉल है और DLF फेज 3 जाना जाता है हाई रेंटल यील्ड के लिए। यहां पर जो सबसे ज्यादा क्रेज है वो है 60 गज की प्रॉपर्टीज का या 60 गज के जोड़ों का, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से जो आपका मंथली रेंट जनरेट होता है वो लगभग 7-8% होता है। तो लोगों को ये जो हाई रेंटल यील्ड है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और खास करके दिल्ली वाले लोगों का। जैसे ही दिल्ली क्रॉस करके आप गुड़गांव में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही DLF फेज 3 आपका स्वागत करती है गुड़गांव में, और गुड़गांव में आते ही जो सबसे पहली जो सोसाइटी है वो अगर आपको 7-8% का रेंटल यील्ड दे देती है तो उसके बाद गुड़गांव के कस्टमर को आगे लाने में डीलर्स को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। DLF फेज 3 में मेरे पास 60 गज में काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर आपको पुराने बिल्टअप हाउसेज चाहिए जो लगभग प्लॉट के रेट के आसपास मिले तो मेरे पास वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के बजट में। और अगर आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्टअप हाउसेज चाहिए जिनमें आपका लगभग 2 लाख रुपए के आसपास मंथली रेंट जनरेट होता हो तो मेरे पास वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं 3.25 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए के बजट में। ये जो 25 लाख रुपए का आप डिफरेंस देख रहे हैं या जो ब्रैकेट देख रहे हैं, इसका कारण है प्रॉपर्टीज की लोकेशन। अगर कोई 18 मीटर रोड पर है या कोई 24 मीटर रोड पर है तो उस प्रॉपर्टी का रेट लोकेशन की वजह से बढ़ जाता है, या फिर कोई कॉर्नर है तो पार्क फेसिंग है तो उसका भी रेट थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर ये हाई रेंटल यील्ड वाली प्रॉपर्टीज आपको चाहिए तो DLF फेज 3 में मैं आपको काफ़ी ऑप्शंस दे सकता हूँ। इसके अलावा DLF फेज 3 में मेरे पास 24 मीटर रोड पर एक 500 गज का प्लॉट भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों को अपने एंड यूज़ के लिए या कमर्शियल पर्पज़ के लिए बड़ी साइज़ का प्लॉट चाहिए उनके लिए बहुत ही सूटेबल है, और इसका रेट आपके लिए रहेगा 22 करोड़ रुपए। फेज 3 के बाद बात आ जाती है DLF फेज 4 की, जो कि सुशांत लोक 1 के साथ लगती है और जिसमें आपको ग्लेरिया मार्केट मिलती है, जो अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है गुड़गांव के लोगों के लिए या जो भी बाहर से लोग यहां पर आते हैं उन सब के लिए। यहां पर अगर आप बिल्डर फ्लोर का ऑप्शन सर्च कर रहे हैं तो मेरे पास 360 गज में आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 5-5.5 करोड़ रुपए का बजट खर्च करना पड़ेगा। वहीं जो दूसरी साइज मेरे पास अवेलेबल है बिल्डर फ्लोर्स में वो 270 गज के ऑप्शंस आपको मैं दे सकता हूँ। 270 गज के फ्लोर के लिए आपको 3.5-4 करोड़ रुपए का बजट लेके चलना होगा। तो अगर इस साइज का फ्लोर भी आप सर्च कर रहे थे तो उसमें भी मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा DLF फेज 4 में मेरे पास एक 360 गज का प्लॉट है सेल के लिए, जिसका रेट आपके लिए रहेगा 12.5 करोड़ रुपए। ये जो भी रेट्स का जिक्र मैं वीडियोस में कर रहा हूँ ये रेट्स नेगोशिएबल हैं ऑन द टेबल। DLF के बाद हम बात करेंगे हुड्डा सेक्टर्स की प्रॉपर्टीज की, और इसके बाद यूनिटेक और सुशांत लोक की जो 3 फेजेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलता हूँ कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी आपको क्लिक कर जाती है या फिर आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसे आप ढूंढ रहे थे, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है तुरंत आप उस पर व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं और मेरी टीम आपको कनेक्ट कर लें और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लें। हुड्डा सेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर 27 की, जो कि गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर लगता है और बहुत ही प्राइम लोकेशन है।
जो गोल्फ कोर्स रोड पे सेक्टर्स लगते हैं उनका अपने आप में एक क्रेज है, क्योंकि वहां पर आपको जो रेंटल यील्ड मिलती है किसी भी प्रॉपर्टी से वो पूरे शहर में सबसे ज्यादा है। इस वजह से जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर गुड़गांव में रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ये एरिया काफी हद तक शूट करता है और अट्रैक्ट करता है। सेक्टर 27 में मेरे पास एक 500 गज का प्लॉट अवेलेबल है 30 मीटर वाइड रोड पर। इसका रेट आपके लिए रहेगा 4.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। अब कुछ लोगों को ये रेट सुन के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, लेकिन अगर गोल्फ कोर्स रोड या उसकी सराउंडिंग में किसी भी 30 मीटर रोड पर अगर हम कोई भी ऑप्शन एक्सप्लोर करने आज जाएंगे तो आपको लगभग इसी रेट के आसपास ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो सेक्टर 27 में ही 360 गज का बिल्टअप हाउस अवेलेबल है, जिसमें आपको स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर मिलेंगे। आजकल ये 4 फ्लोर पिछले 1.5 महीने से बहुत बड़ा मुद्दा बने हुए हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि इस 4 फ्लोर को लेके होगा क्या गुड़गांव में। पहले पॉलिसी आ गई, फिर उस पर स्टे हो गया और अब इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लग गई। तो जहाँ तक मेरी नज़र जाती है अगले 4-5 महीने कुछ भी नहीं हो रहा है। हो सकता है उसके बाद जो आने वाली सरकार है वो सुध ले और फिर से इस 4 फ्लोर की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। ये जो पाम एवेन्यू में मैं आपको 360 गज का बिल्टअप हाउस दे रहा हूँ, इसका रेट आपके लिए रहेगा 20 करोड़ रुपए। इसके बाद बात आती है सेक्टर 28 की, जो सेक्टर 27 के साथ लगता है और गोल्फ कोर्स रोड पर ही लगता है। यहाँ पर मेरे पास 18 मीटर रोड पर एक 263 गज का प्लॉट अवेलेबल है और इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 3,20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव रेट है, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पर लगने वाले अगर किसी भी सेक्टर में हम जाएंगे, चाहे वो 42 है, 43 है, 27 है या 28 है, तो 18 मीटर रोड पर लगभग आपको 4.25 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए गज तक का रेट मिलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छे रेट पर मैं प्लॉट आपको ऑफर कर रहा हूँ, जिसको आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या रेजिडेंशियल एंड यूज़ के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हुड्डा सेक्टर्स की बात आई तो मैंने सेक्टर 27 से क्यों स्टार्ट किया, उसके जो पहले के गुड़गांव के सेक्टर्स हैं उनका जिक्र हमने क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ के लिए हमारे पास बहुत कम क्लाइंटेज आती है, और इसलिए मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम सेक्टर 27 के आगे के जो सेक्टर्स हैं उन सभी के जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनका वीडियो में जिक्र करेंगे। क्योंकि अगर उससे पहले के ऑप्शंस को हमने यहाँ पर ऐड किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत कम लोग सेक्टर 27 से पहले वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप उन सेक्टर्स में अपने लिए अगर कोई ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 27 और उसके बाद के सेक्टर्स में अवेलेबल हैं, उससे पहले के सेक्टर्स में भी अगर आपको प्लॉट चाहिए या बिल्टअप हाउस चाहिए या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए तो वो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो उसके लिए सिर्फ आपको मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करना है। अब सेक्टर 28 के बाद बात आती है सेक्टर 30 की। यहाँ पर सेक्टर 29 को हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो पूरा का पूरा कमर्शियल सेक्टर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं और अभी हमारी इन्वेंट्री बुक में वहाँ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर लेफ्ट आउट कर रहे हैं। सेक्टर 30 जो है वो आपका NH 48, जिसको पहले हम NH 8 बोलते थे, उसके बिल्कुल साथ लगता है और स्टार मॉल के ऑपोजिट आपको 32nd माइलस्टोन मिल जाएगा, गूगल का ऑफिस मिल जाएगा। तो इस सेक्टर 30 में मेरे पास एक 80 गज में बिल्टअप हाउस अवेलेबल है जिसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 3 करोड़ रुपए और इसमें आपको 3 फ्लोर बने हुए मिलेंगे। दूसरा जो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है वो 100 स्क्वायर यार्ड में है, ये भी एक बिल्टअप हाउस है जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 3 फ्लोर बने हुए मिलेंगे। इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 3.65 करोड़ रुपए। अब इसके बाद बात आती है सेक्टर 31 की। 31 की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताऊं, उससे पहले इस सेक्टर के बारे में 3 खास चीज़ें बता देता हूं। सबसे पहली खास चीज़, हमारा ऑफिस इसी सेक्टर में है, तो जब भी आपको मुझसे मिलना हो या हमारे ऑफिस विजिट करना हो तो मैं एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप कभी भी सुबह 10 बजे से और 7 बजे तक ऑफिस विजिट कर सकते हैं, एक्सेप्ट देन ट्यूज़डे हमारा ऑफ रहता है। दूसरी खास चीज़, सेक्टर 31 NH 48 के बिल्कुल साथ लगता है और बहुत ही प्राइम सेक्टर है, डेवलप्ड सेक्टर है। तीसरी सबसे खास बात, ये गुड़गांव का इकलौता सेक्टर है जिसमें 3 हुड्डा मार्केट हैं और तीनों में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रेट मिलेंगे। और इस सेक्टर की वो मार्केट जिसमें आपको ओम स्वीट्स का आउटलेट मिलता है, मुझे लगता है कि गुड़गांव की सबसे महंगी
हुड्डा की कमर्शियल मार्केट है अगर प्रॉपर्टी रेट्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसी मार्केट में जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। वहाँ पर मेरे पास एक SCU अवेलेबल है जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 3 फ्लोर बने हुए मिलते हैं और इस SCU का रेट आपके लिए रहेगा 15 करोड़ रुपये, जिससे आपको हर महीने लगभग 7 लाख रुपये के आसपास रेंटल रेवेन्यू भी मिलेगा। इसी के साथ साथ इसी मार्केट में मेरे पास एक बूथ अवेलेबल है जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है। इस बूथ का रेट आपके लिए रहेगा 3.5 करोड़ रुपए। और इस मार्केट का जो सबसे प्राइम बूथ है, क्योंकि वो एक कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, 18 मीटर रोड फेसिंग है, वो भी मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। उसका रेट आपके लिए रहेगा 6 करोड़ रुपए, जिससे लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आपको हर महीने रेंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 31 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की। तो मेरे पास जो सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है वो है 263 गज में ब्रांड न्यू फ्लोर्स। रेट आपके लिए 3 से 3.25 करोड़ रुपए की रेंज में रहेंगे, क्योंकि अपर ग्राउंड फ्लोर का अलग रेट होता है, टॉप का अलग रेट होता है, इस वजह से आपको 25 लाख रुपए का डिफरेंस दिख रहा है। इसके अलावा मेरे पास 360 गज में भी एक अपर ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल है, इसका रेट आपके लिए रहेगा 3.70 करोड़ रुपए। इसके बाद सेक्टर 31 में मेरे पास 18 मीटर रोड पर एक 161 गज का प्लॉट है सेल के लिए, इसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 5 करोड़ रुपए। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के साथ ये प्लॉट मिलेगा। वहीं यहाँ पर मेरे पास एक 500 गज का प्लॉट भी अवेलेबल है, रेट आपको मिलेगा 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। इसके अलावा हाईवे फेसिंग अगर लेन की बात करेंगे, क्योंकि सेक्टर 31 की एक जो लेन है जिसमें सिर्फ 500 गज और 1000 गज के साइजेस हैं, जो हाईवे NH-48 को फेस करती है, यहाँ पर एक 1000 गज का बिल्टअप हाउस अवेलेबल है, बेसमेंट और 2.5 मंजिल बना हुआ। इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 30 करोड़ रुपए, सिर्फ इसमें प्लॉट का रेट आपसे लिया जा रहा है। जो बिल्टअप है या जो पुराना बना हुआ घर है उसकी कोई भी कीमत नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं सेक्टर 31 में जिसमें हाई रेंटल यील्ड हो, तो मेरे पास एक 161 गज का बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्टअप हाउस है जिसमें 17 यूनिट 1 RK की बनी हुई है। 1 RK से मेरा मतलब एक रूम होगा जिसमें आपको एक किचन मिलेगी और साथ ही साथ अटैच वॉशरूम मिलेगा। लिफ्ट इस प्रॉपर्टी में लगी हुई है, हर महीने आपको 3.5 लाख रुपए रेंटल रेवेन्यू जनरेट करके देगी और इसकी कीमत आपके लिए रहेगी सिर्फ 6 करोड़ रुपए। सेक्टर 31 के बाद हम बात करते हैं सेक्टर 38 की। आज ये सेक्टर बड़ा ही हॉट केक बना हुआ है और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसका एक तो सबसे बड़ा रीजन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल है इस सेक्टर में, लेकिन उससे बड़ा जो रीजन हमें पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला है वो है कि सेक्टर 38 के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट सेक्टर 47 में IKEA का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस सेक्टर की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। इस सेक्टर में हमारे पास एक SCO अवेलेबल है जिसमें कि आपको बेसमेंट के साथ 3 फ्लोर बने हुए मिलेंगे और इसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 9 करोड़ रुपए। इसके अलावा सेक्टर 38 की जो हुड्डा मार्केट है उसमें हमारे पास बूथ के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आपको 2.25 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलेंगे। तो अगर आप अपने लिए कोई बूथ सर्च कर रहे थे हुड्डा के किसी कमर्शियल मार्केट में, तो सेक्टर 38 वो मार्केट है जो आपके बजट में आ सकती है। अदरवाइज बाकी हुड्डा सेक्टर्स की मार्केट में आज कहीं ना कहीं बूथ का रेट 3 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसी मार्केट में मेरे पास एक बूथ का जोड़ा भी अवेलेबल है जिससे लगभग आपको महीने का 1,80,000 रुपए के आसपास रेंटल रेवेन्यू मिलेगा और इसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा सेक्टर 38 में मेरे पास एक 60 गज का प्लॉट है, रेट आपके लिए होगा 2.10 करोड़ रुपए। वहीं एक 100 गज का प्लॉट अवेलेबल है, उसका रेट आपके लिए रहेगा 3.25 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ अगर 161 गज में आप प्लॉट देख रहे थे इसी सेक्टर में, तो 2,80,000 रुपए गज के रेट पर मेरे पास इस साइज में भी प्लॉट का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद बात आ जाती है बिल्टअप हाउस की, तो यहाँ पर मेरे पास एक 204 गज का बिल्टअप हाउस है जिसमें आपको 3 फ्लोर बने हुए मिलते हैं, इसका रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 6.25 करोड़ रुपए। इसके बाद सेक्टर 38 में मेरे पास एक 500 गज का प्लॉट अवेलेबल है मेदांता हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ लगता हुआ और 30 मीटर वाइड रोड पर। इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा 4 लाख पर स्क्वायर यार्ड।
इसके बाद मेरे पास सेक्टर 38 में एक 263 गज का बिल्टअप हाउस है, ये 60 मीटर वाइड रोड पर मिलेगा जिस रोड से अभी नई मेट्रो लाइन जाएगी। इसमें आपको बेसमेंट के साथ 2.5 फ्लोर बने हुए मिलेंगे, ईस्ट फेसिंग होगी और इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा 10.5 करोड़ रुपए, जो कि बिल्कुल प्लॉट का रेट है। क्योंकि अगर 60 मीटर रोड पे हम कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे किसी भी सेक्टर में तो आपको 4 लाख से 4.5 लाख रुपए गज का रेट देखने को मिलेगा। तो बाकी इन्वेस्टर्स की तरह आप भी सेक्टर 38 में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आने वाले 1 या 2 साल में आपको देखने को मिलेगा कि सेक्टर 38 के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो बहुत अच्छे अप्रिशिएट होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 4 या 5 महीने पहले के टाइम को हम देखें तो बाकी सेक्टर से जो इस विसिनिटी में आपको देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं 38 के प्राइसेस कम थे, जो कि अब धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स के बराबर आकर खड़े हो गए हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है बाकी सेक्टर से अच्छा अप्रिसिएशन आपको सेक्टर 38 दे। इसके बाद बात आ जाती है सेक्टर 39 की, जो 38 के बिल्कुल ऑपोजिट है और 60 मीटर रोड पर ये सेक्टर लगता है, जो हुड्डा मेट्रो स्टेशन से सुभाष चौक की तरफ जो रोड जा रहा है। इस सेक्टर में मेरे पास एक 161 गज का बिल्टअप हाउस है, 2.5 मंजिल बना हुआ, रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 4.15 करोड़ रुपए। आज इस रेट में आपको 161 गज के प्लॉट के लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, खास करके जिन सेक्टर्स का जिक्र हम इस वीडियो में कर रहे हैं। इसके बाद सेक्टर 39 में मेरे पास 30 मीटर वाइड रोड पर एक 263 गज का प्लॉट है, इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा 2,25,000 रुपए गज। आज 2,25,000 रुपए गज के रेट पर आपको बाकी सेक्टर्स में 10 मीटर रोड के प्लॉट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक 30 मीटर रोड पे आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप कोई हाई रेंटल यील्ड वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो सेक्टर 39 में मेरे पास एक 500 गज में बेसमेंट, स्ट्रीट पार्किंग और 4 फ्लोर के साथ बनी हुई प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जिस प्रॉपर्टी से लगभग 10 से 12 लाख रुपए आपका हर महीने रेंटल रिटर्न जनरेट हो सकता है। इस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो मैं वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अगर आप रेट जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, इस प्रॉपर्टी में आपको 50 1 RK की यूनिट मिलेंगी और वो भी फुली फर्निश्ड। सेक्टर 39 में ही मेदांता हॉस्पिटल के ऑपोजिट जो पॉकेट लगती है उसमें मेरे पास एक 120 गज का बिल्टअप हाउस भी अवेलेबल है, जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 4 फ्लोर बने हुए मिलेंगे और इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 3.65 करोड़ रुपए। अब बात आ जाती है सेक्टर 40 की। सेक्टर 40 की जो लोकेशन है वो भी बहुत ही प्राइम है, क्योंकि NH 48 से आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है, हुड्डा मेट्रो स्टेशन सिर्फ 5 मिनट के ट्रेवल डिस्टेंस पर है। ये सेक्टर भी 60 मीटर रोड पर लगता है और इस सेक्टर के साथ से भी अभी नई मेट्रो लाइन जाएगी। इस सेक्टर में मेरे पास सबसे पहले जो हुड्डा की मार्केट है वहाँ पर बूथ के ऑप्शन अवेलेबल हैं, मल्टीपल बूथ्स हैं, 2.25 करोड़ रुपए से मेरे पास 3.25 करोड़ रुपए की रेंज में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये जो प्राइस वेरिएशन आप देख रहे हैं इसका रीजन है लोकेशन, जो फ्रंट लाइन के बूथ हैं उनका रेट ज़्यादा होगा, जो बैक लाइन के बूथ हैं या जो साइड लाइन के जो बूथ हैं उनका रेट आपको कंपेरेटिवली कम मिलेगा। तो अगर इस मार्केट में आप कोई बूथ सर्च कर रहे थे तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूं। इसके बाद बात आ जाती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर एक 100 गज का बिल्टअप हाउस अवेलेबल है, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर के साथ, रेट आपके लिए रहेगा 3.65 करोड़ रुपए। फिर एक 60 गज का प्लॉट अवेलेबल है, उसका रेट आपको मिलेगा 2.25 करोड़ रुपए। वहीं एक प्लॉट मेरे पास 110 गज का है, इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा 3.35 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक 120 गज के प्लॉट का ऑप्शन भी मैं आपको इस सेक्टर में दे सकता हूं और रेट आपके लिए रहेगा 3,20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। वहीं अगर बात करें 161 गज के साइज में तो इस साइज में मेरे पास एक बेसमेंट प्लस 2.5 मंजिला बना हुआ बिल्टअप हाउस अवेलेबल है, रेट होगा इस प्रॉपर्टी का 4.25 करोड़ रुपए। इसके बाद जो साइज आता है वो है 263 गज। 263 गज में मेरे पास इस सेक्टर में एक बिल्टअप हाउस अवेलेबल है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ, रेट मिलेगा आपको 6.80 करोड़ रुपए, पार्क फेसिंग ये घर होगा। इसके बाद एक 263 गज का प्लॉट है 30 मीटर वाइड रोड पर, इसका रेट मिलेगा आपको 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। वहीं एक दूसरा 263 गज का प्लॉट है जो मैं आपको दे सकता हूं 2,80,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट पर। इसी साइज में 263 गज में मेरे पास 18 मीटर वाइड रोड पर एक सेकंड फ्लोर भी अवेलेबल है, लगभग 1 से 1.5 साल पुराना ये फ्लोर होगा और रेट आपके लिए रहेगा 2.60 करोड़ रुपए। इसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल साइज है वो है 500 गज। 500 गज में मेरे पास
एक प्लॉट अवेलेबल है बहुत ही अच्छा, अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल है। रेट आपके लिए रहेगा 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड। इसके बाद सेक्टर 40 के साथ लगता हुआ ही सेक्टर 41 है। बहुत छोटा सा सेक्टर है और बहुत से लोगों को तो इस सेक्टर की लोकेशन का भी नहीं पता है, लेकिन बहुत ही प्राइम लोकेशन है इस सेक्टर की, क्योंकि हाईवे से बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस आपको इस सेक्टर का मिल जाता है। यहाँ पर मेरे पास एक 18 मीटर वाइड रोड पर 219 गज का प्लॉट है नॉर्थ वेस्ट फेसिंग के साथ। रेट आपके लिए रहेगा 3 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर एक कॉर्नर का भी प्लॉट अवेलेबल है। साइज आपको मिलेगी 315 गज और रेट आपके लिए रहेगा 10 करोड़ रुपए। इसके बाद मेरे पास इसी सेक्टर में एक 220 गज का प्लॉट भी अवेलेबल है। ये प्लॉट भी कॉर्नर का होगा और इस प्लॉट का रेट आपके लिए रहेगा 7 करोड़ रुपए। ये सेक्टर 41 के जितने भी प्लॉट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, ये सारे के सारे प्लॉट्स अभी रिसेंटली हुड्डा ने सेक्टर 41 की एक नई पॉकेट का ऑप्शन किया था जो कि साउथ सिटी 1 में लगती है। इसी पॉकेट में ये आपको ऑप्शंस में दे रहा हूँ। साउथ सिटी 1 का आप सब लोगों को पता है कि अपने आप में इस सोसाइटी का एक क्रेज है, और जहाँ तक हम देखते हैं डीएलएफ के बाद सबसे प्राइम लोकेलिटी है।